Just one small bite. I've been Feroz sir. My interaction has just started with him. I've just started working with him and started workshops with him. And so far, he's a brilliant person. He's a brilliant human being, and I'm learning a lot from him. And his earlier play was a smash. So for this, I'm pretty excited. Hopefully, I'll be thrilled and I'll be at the edge of my seat. I love it because it's a different experience altogether, because the medium of theatre and the medium of film, they're two different mediums. Over here, the person has to project his voice to reach towards the end, so the emotion has to transverse to the last person over there. So I would say theatre is more difficult, and they're both different mediums, so I love watching plays. If you introduce a from theatre, makes a very good actor also. No, it is. It is very important. It's very important because you need to have no inhibitions and you need to open up. So over here, you kind of open up and it tests you to the limits and it pushes you to be a better actor and try to get better and better. Are you positive now? I'm positive. I'm here. I'm smiling. I'm all good, man. Just looking at scripts, listening to stuff, so hopefully something good comes my way and you all will see me soon. Thank you. No, thank you. अरे दिख रहा है यार तेरा E24 भर भर के दिख रहा है ऊपर मैं बहुत एक्साइटेड हूँ रौनक और जस्सी की म्यूजिकल रोमांटिक कहानी वो भी फिरोज के हाथों तो उम्मीद बहुत है और वो उम्मीद पे हमेशा खरे उतरते हैं आई एम हियर एज ए फ्रेटर्निटी दोस्त की तरह से हूँ बहुत विश करने आई हूँ और सीखने आई हूँ आई एम एक्साइटेड मैं थिएटर की हूँ पहले थिएटर है बाद में फिल्म है जो जो व्यक्ति थिएटर में बड़ा अच्छा एक्टर होता है वो फिल्म में फिर नसीरुद्दीन शाह और शबाना और ओमपुरी की तरह आगे बढ़ते रहते हैं टेक्निकली हम लोग अभी काफ़ी पीछे हैं फिर भी मैं कहूँगी कि फिरोज़ ने वो कर दिखाया है जो रंगमंच कर सकता है कि कॉमर्शियल और म्यूज़िकल संसाधन कम होने के बावजूद भी उसने ब्रॉडवे की तरह से यहाँ पे हमें दिए हैं बहुत सारे शोज तो मुगल आजम के बाद ये हाँ जी आप भी प्ले करते हो अभी भी लाइक यू आर एक्टिव इन दैट ऑफ कोर्स ऑफ कोर्स हां दैट्स व्हाट आई एम सेइंग हाउ डू यू एंजॉय लाइक अगर प्ले होती है और प्ले होते हैं तो क्या एंजॉय करते फिल्म पैसा देता है और थिएटर एक जिंदगी देता है एक अपने आप में कॉन्फिडेंस देता है मैं तो चाहूँगी मैं थिएटर पे ही मरूँ नथिंग लाइक थिएटर 3 घंटे आप एक पात्र को निभाते हैं अभी जनवरी में हमारा फेस्टिवल होने वाला है एक साथ मैं 6 दिन तक अलग अलग रोल करूँगी तो थिएटर इज़ अ चैलेंज थैंक यू
हाँ जी बोलिए क्या कहना चाहेंगे कितनी एक्साइटेड है आज की शाम के लिए आई एम वेरी एक्साइटेड बिकॉज़ आई एम अ ग्रेट फैन ऑफ फिरोज लव्ड हिज मुगल आजम एंड आई एम एक्सपेक्टिंग समथिंग रियली स्पेक्टेक्युलर एंड आई विश हिम ऑल द बेस्ट थैंक यू सो मच सी यू